बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम ब्रेक पे गए थे और बस अब बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने मजीद बात करनी है, जिनको हमने और भी ज़्यादा गिफ्ट देने हैं, तो आए लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। का नाम? विश्मा। मोहम्मद अयान। अली। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। कौन सी क्लास में? 3A। 6। बहन भाई हो? लड़ते हो? हाँ। किस बात पे ज्यादातर? फालतू बात। कोई फालतू बात? टीवी के रिमोट पे। टीवी के रिमोट पे? अरे ये तो होती होती है। और खाने पे भी होती है। खाने पे कैसे? खाने पे कोई ऐसी जैसे कि टीवी पे तो दरमियान में पानी उसको देना है, इसको देना है। ओके ओके, आप बताएं किस पे लड़ते हैं ज्यादा? इसी खाने पे लड़ाई होती है। और खाने पे कैसे? मतलब मैं यहाँ बैठूंगी, ये प्लेट मुझे चाहिए, ये पहले मैंने डालना है, इस चीज़ पे लड़ाई। ओके जी, चले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? रेडी हो? ओके जी, बच्चे हो? ओके, मुझे बताओ अगर 3 बिल्लियाँ 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं तो 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितनी देर में खाएंगी? 3 बिल्लियाँ 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं, 10 मिनट। सोचिए, बहुत इजी है। 3 मिनट में 3 चूहों को खाती हैं, ठीक है, और 10 बिल्लियाँ 10 मिनट में, 10 ही होंगे? नहीं 10 नहीं होंगी, क्या? 3 बिल्लियाँ 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं। चूहों को 3 मिनट में खाती हैं। हाँ, तो 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितनी देर में खाएंगे? 10 मिनट में ही खाएंगे। 7। 10 मिनट। 3 बिल्लियाँ 3 चूहों को 3 मिनट में खाती हैं। ठीक है, 3 क्लियर है? ठीक है। तो 10 बिल्लियाँ 10 चूहों को कितनी देर में खाएंगे? 3 मिनट। क्यों? 10 बिल्लियाँ 10 मिनट। चलो तुम्हें ये नहीं पता क्यों, बट तुम्हारा आंसर ठीक है, क्लैपिंग करो इसके लिए सारे। अब ये खुद सोचना कि क्यों ठीक है, ठीक है? ओके ठीक, क्या सुनाओगे? कोई भी सॉन्ग। तू खिलड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे पावे। तू खिलड़ जावे सारी रात नींद ना आवे, मैनू बड़ा तड़पावे दिल चैन कहीं ना पावे पावे। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत ही प्यारी फैमिली थी। और अच्छा, उन्होंने जवाब तो सही दे दिया लेकिन वो खुद समझ नहीं आ रहा कैसे सही हो गया, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरीबा। अरीबा क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ, साथ में जॉब भी करती हूँ। गुड, क्या पढ़ रही हैं? मैं बीए कर रही हूँ। बीए कर रही हैं, चलिए मुझे आप ये बता दें अरीबा कि बंदर के 2 दिमाग होते हैं, आपको पता है? नहीं। ओके चलिए मैं आपको बता देती हूँ, बंदर के 2 दिमाग होते हैं, एक दिमाग उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक दिमाग सिर्फ एक चीज के लिए होता है, वो क्या चीज है? दोबारा रिपीट करें। ओके, बंदर के 2 दिमाग होते हैं, एक दिमाग उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, एक दिमाग सिर्फ एक चीज के लिए होता है, वो क्या है? दुम। वाकई? जी। यार क्लैपिंग करो अपने लिए, वेरी नाइस, एग्जैक्टली उसकी टेल के लिए होता है। चलिए जी, क्या शेयर करेंगे? मैं ना शेयर सामने। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, इक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, ये रब्बे दो आलम का महबूब यराना है, कल पुल से हमें जिसने का
वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जज़ाक अल्लाह सुभान अल्लाह। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप थैंक यू। यू वेलकम जी। बहुत ही प्यारी आवाज़ में हमने नात सुनी और नात तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहसिन। क्या करते हैं आप? मैं लेक्चरर हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। ओके गुड। चलिए जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ, ठीक है जी? मुझे बताएं, अगर हम जमीन पे खड़े हुए तो चांद हमें ऊपर नजर आता है, राइट? जी जी। अगर हम चांद पे खड़े होंगे तो जमीन हमें कहाँ पर नजर आएगी? जमीन, चांद जमीन पे खड़े हैं तो चांद हमें ऊपर नजर आता है, और हम चांद पे खड़े होंगे तो जमीन हमें कहाँ पे नजर आएगी? तो जमीन उसके अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल नजर आएगी। क्या? अगर पैरेलल होगी तो पैरेलल नजर आएगी। आएगी कहाँ पर नजर? जैसे जमीन पे खड़े होकर चांद ऊपर नजर आता है तो जमीन कहाँ नजर आएगी? चांद पे खड़े होंगे तो जमीन कहाँ नजर आएगी? जमीन नजर नहीं आएगी। आएगी। चले कोई बात नहीं, क्या सुनाएंगे? मैं एक कलाम है ए आर रहमान का, वो सुनाऊंगा। मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दरारे दरारे हैं माथे पे मौला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, आम तौर पे जब ये जैसे आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप करते रहते हैं, खुद अपने लिए भी गाते हैं या कलाम या जो भी? ज़्यादातर चूँकि पढ़ाने से वाबस्तगी है तो थोड़ा सा वोकल उस तरह का रहता है, अदरवाइज मैं जब स्टार्ट। क्लास में कौन है जो सबसे ज़्यादा लाइक हो आपकी? कलाम। नाम याद रह जाता है? जी बिल्कुल का। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका? लड़का है, उसका नाम है जीशान। सबसे लाइक है? वेरी नाइस। और नलायक कौन है जिसको नलायक की वजह से याद रहेगा? हमारी कोशिश होती है कि अगर नलायक है तो उस पर मेहनत की जाए, वो और ज्यादा मेहनत करे वो काम। चलेंगे। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गए। यू वेलकम जी। नाजरीन बहुत अच्छा कलाम सुना, बड़ा मजा आया, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कुत्सिया इमरान। क्या करती हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। ओके मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क का नाम बताएं जो एक वक्त के नाम को भी जाहिर करता है, टाइम का भी एक नाम है। सॉरी। चले जी, अक्सर डॉक्टर भी वो बड़ा नाम लेते हैं। वक्त। क्या शेयर करेंगे? रेसिपी। रेसिपी मैं शेयर करूँगी बेसन वाला हलवा, जो कि नॉर्मली सर्दियों में तो बहुत शौक से खाया जाता है। उसकी रेसिपी ये है कि जितना आपने बेसन का हलवा बनाना है उतना बेसन ले लीजिए, उसी के वज़न के मुताबिक चीनी ले लीजिए, और उसी के वज़न के मुताबिक ऑयल होना चाहिए, ऑयल या घी एज़ यू लाइक। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके उसमें बेसन को थोड़ा सा भून के उसके अंदर, और जो अपनी चीनी लेनी है उसका शीरा बना लेना है डबल पानी के साथ, अगर एक कप शुगर है तो दो कप पानी होगा, उसका शीरा लदा से बना लें। जैसे ही बेसन भून जाएगा उसके अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता करके वो शीरा डालते जाना है और उसको भूनते जाना है। उस वक्त आपने बिल्कुल हाथ को रोकना नहीं है, नहीं तो हलवा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और जैसे ही वो खुशबू देने लगे और बर्तन को छोड़ दे तो हलवा इज रेडी और आप गर्म गर्म खा सकते हैं। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। बेसन का हलवा, खैर सर्दियां हो और हलवे जो हैं वो बस रोज़ रात को चाय के साथ हलवा हो और फिर आप बहुत सारे मोटे हों, बस यही है, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। जोयनाज। कौन सी क्लास? 4। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, इंजीनियर हूँ। जबरदस्त। मुझे बता दें आपसे मेरा सवाल है कि जापानीज औरत की कितनी बर्थडे होती हैं? गौर से सोचिएगा फिर समझ आएगा। जापानीज औरत की कितनी बर्थडेज होती हैं? एक एक
اوکے کیسے جب پیدا ہوگی وہی برتھ ڈے بعد سالگرہ چلیں گی نا ویری نائس کلیپنگ کریں جی آپ ویری ویری انٹیلیجنٹ اور آپ کیا سنائیں گی گانا میں رنگ شربتوں کا تو میٹ گھٹ کا پانی میں رنگ شربتوں کا تو میٹ گھٹ کا پانی جو خود میں گھول دے تو میری یار بات بن جائی میں رنگ شربتوں کا تو میٹ گھٹ کا پانی ویری نائس لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو یو ویلکم جی بہت انٹیلیجنٹ تھے انہوں نے بہت جو ہے وہ صحیح جواب دیا آپ کی برتھ ڈے ایک دفعہ ہی ہوتی ہے بار بار آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی اور سے بات کریں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے ابو بکر اشمل خان کون سی کلاس 3 9 بہن بھائی جی لڑتے ہو تھوڑا تھوڑا کس بات پہ وہ کوئی میری چیز لے لے تو آپس میں لڑائی ہوئی کیا لیتی ہے بھائی کا اسکیل وغیرہ یوز کر لیتی ہیں چھپا لیتے ہیں بسکٹ تو نہیں چاکلیٹ تو نہیں کھا جاتی بھائی کی نہیں اوکے چلے جی سوال کریں مارتا تو نہیں نہیں اور یہ مارتی ہے نہیں چلو گڈ ہے اوکے وہ کون سی فش ہے جس کی 5 آنکھیں ہوتی ہیں 5 آنکھیں ہوتی ہیں 5 آئز ہوتی ہیں فنگر فش فنگر فش کون سی ہے نہیں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ اسٹار فش واو کلیپنگ کرو بھائی کے لیے کلیپنگ کرو کیا سنائیں گے سونگ تیرے سنگ یارا خوش رنگ بہارا تو رات دیوانی میں زرد ستارا تیرے سنگ یارا آنکھیں کیسے بند کی ہوئی تھی میں گانے نہیں سنتا اتنا اور آپ پوئم Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. Wow! Good. Lahore News ki taraf se aapke liye. Shukriya. Ji. اچھا بہت کیوٹ بچے تھے اور بہن بھائیوں کی یہی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑوں کے بھی یاد آتی ہیں کہ بچپن میں جیسے وہ لڑتے تھے ہر بہن بھائی لڑتے ہیں بٹ آئی ڈونٹ نو میری کبھی بچپن میں میرے بہن بھائی سے لڑائی نہیں ہوئی کبھی کسی بہن بھائی نے مجھے تنگ نہیں کیا شاید میں بہت ڈاڈی تھی خیر کسی اور سے بات کرتے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام محسن عباس کیا کرتے ہیں میں پراپرٹی اوکے جی سوال کرتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اوکے ایک ملک کا نام ہے جو ایک وقت کے نام کو بھی ظاہر کرتا ہے وہ کون سا ہے نہیں کہہ سکتے تو پھر کیا کہیں گے آپ کیا سنائیں گے آپ کے آنے سے گھر میں کتنی رونق ہے آپ کو دیکھے کبھی اپنے گھر کو دیکھیں ہم خوش ہوئے لاجواب لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گئے شکریہ جی بڑا اچھا گانا سنا ہم نے اور اس سے زیادہ اچھا تھا جتنے وہ آرام سے سنا رہے تھے وہ اچھا تھا کسی اور سے بات کر رہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام مسز مہوش کاشف وزیر ولی کاشف ولی موسا کاشف آپ کا نام کیٹو ہاں جی یہ کیسا نام ہے کنزا نام ہے پیار سے کیٹو کہتے ہیں اچھا یہ لپسٹک کس نے لگائی ہے خود لگائی ارے واہ ماشاء اللہ چلے جی مجھے بتاؤ لڑتے تو نہیں ہو تینوں بہت زیادہ اس بار پہ لڑائی ہوتی ہے
बस बहस है, कंपटीशन है बच्चों में आजकल। कभी कुछ ये जी मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो खाना है, मैंने ये लेना है। अगर मैं इस बच्चे को लेके जा रहा हूँ तो वो साथ ही चिमटता है कि मैंने जाना है। अगर दोनों जा रहे हो साथ बच्ची भी कहती बाबा मैंने भी जाना है। वेरी नाइस, ये तो माशाल्लाह अच्छी रौनक लगाई रखते हैं। चलिए मुझे बताएं मैंगो जूस किस चीज़ से बनता है? मैंगो जूस मैंगो से बनता है? नो, मैंगो जूस किस चीज़ से बनता है? मैंगो जूस जूसर से बनता है। जूसर से बनता है, क्लैपिंग करें। चले जी, और क्या शेयर करेंगे? मैं रेसिपी बताऊंगी आपको, रेसिपी बताऊंगी बिरयानी की। बिरयानी में है चिकन के साथ या बीफ के साथ कोई सी भी बिरयानी, उसमें प्याज है, प्याज के अलावा चावल है, चावल में उसमें फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद उसमें चिकन डाल दें, चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से खूब भून लें, मसाले वगैरह डाल दें, लहसुन अदरक ये वो चीज़ें डाल के उसको चावलों को डाल के दम पे रख दें, बिरयानी तैयार हो जाती है। वेरी नाइस सर। आप? मैं सॉन्ग शेयर करूँगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, ओ हम नवा। वाओ, वेरी नाइस सर। आपने एक दो तीन चार पाँच, मैंने ली एक मछली बस, छः सात आठ नौ दस, मैंने उसको छोड़ा बस, तुमने उसको छोड़ा क्यों? उसने काटी उंगली, कौन सी उंगली उसने काटी? सीधे हाथ की छोटी वाली, सीधे हाथ की छोटी वाली। वाओ, मूसा आपकी भी 3 1 3 3 2 6 लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। बहुत प्यारी फैमिली थी माशाल्लाह, बच्चे जो हैं वो बहुत लाइक थे और बड़ा मजा आया। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।